डे कंज्यूमर गाइस, और आज मेरे पास है कंट्री बीन की दो कॉफ़ीज़ जो कि मैंने क्रेड से मंगाई हैं। क्रेड पे एक ऑफ़र चल रही थी उसके दौरान, तो ये बॉक्स मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो कॉफ़ीज़ जो कि थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट फ्लेवर है, हेज़लनट एंड दूसरी है मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा। एक है हेज़लनट और दूसरी है कैरमल। तो दो कॉफ़ीज़ हमें मिलती हैं इसमें और मैंने इसके लिए दिए हैं 195 रुपीज़। और जो इनकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल इनका प्राइस है, वो है अराउंड 600 रुपीज़। और ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये कैरमल कंट्री बीन कैरमल फ्लेवर, और इसका जो प्राइस आप देख सकते हैं 325 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही इस वाले पे भी 325 या समथिंग का प्राइस है, बट मैंने 195 रुपीज़ में ही ख़रीदी हैं क्रेड से। तो ये है हेज़लनट एंड इनके पीछे इनके कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हैं और इसको कैसे बनाना है ये भी लिखा हुआ है। तो इसमें प्योर कॉफ़ी पाउडर फ्लेवरिंग और एडेड नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स। तो इसमें फ्लेवर है और जो आपकी नॉर्मल कॉफ़ी होती है वही है, और एक ये वाला फ्लेवर है। तो इन दोनों को मैं ट्राई करके फिर आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि दोनों में से मुझे कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। तो मैं ट्राई करके आता हूँ दोनों और फिर आपको बताता हूँ कि मुझे कौन सी पसंद आई। तो इस कॉफ़ी की अनबॉक्सिंग मैंने बनाई थी 2 फेब को और आज 17 फेब हो चुकी है, और मैंने और मेरी फैमिली ने मिलकर ये दोनों बॉटल्स को पूरा खाली कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हेज़लनट है, ये हेज़लनट है एंड उसके बाद ये कैरमल है, एंड दोनों खाली हो चुकी हैं। इनमें बस एक या दो बार और कॉफ़ी बन पाएगी। एक कॉफ़ी तो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने शुगर रखी हुई है, मिल्क रखा हुआ है, ल्यूक वार्म मिल्क है और दोनों कॉफ़ीज़ हैं। तो मेरी फैमिली को तो ये वाली पसंद आई है, सबको ये पसंद आई है, जितने भी लोगों को मैंने पिलाया उनको ये पसंद आई है, और मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरी फैमिली में ये वाली किसी को पसंद नहीं है, सब ने इसको बोला कि ये बेकार है, और ये वाली सबको पसंद आई। मुझे ये भी पसंद आई, ये भी पसंद आई, बट ये ज़्यादा पसंद आई। इसका टेस्ट जैसे एक टॉफ़ी आती है 1 रुपीज़ की कैरेमल वाली, वैसा टेस्ट आता है, एंड इसका तो हेज़लनट जैसा आता ही है, बट मेरे को इसका ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी मोस्टली लोगों को यही पसंद आया है। और मेरी फैमिली ने बोला है अगर मंगवाएगा दोबारा तो यही वाला मंगवाना, उसको मत मंगवाना, वो बकवास है। तो वो आप जज कर सकते हैं, मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है। तो एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इस कॉफ़ी को पियोगे तो दूध में ही पीना, एज अ ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल मत पीना, ये बिल्कुल अनड्रिंकेबल है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी में पीते हो आपको फेंकनी पड़ेगी, हमें भी एक बार फेंकनी पड़ी ये कॉफ़ी, क्योंकि हमने सोचा कि आज ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं बट हमें कॉफ़ी फेंकनी पड़ी। तो इसको अगर आप पियोगे तो दोनों को ही आप मिल्क में पीना। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीने वाले हो तो ये वाली मत खरीदना, ये बिल्कुल आपके किसी काम नहीं आएंगी, आपको ये फेंकनी पड़ेंगी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो। अगर आप दूध वाली पीते हो तो आप ये मंगवा सकते हो, और मोस्टली लोगों को यही पसंद आई है जिनको भी मैंने पिलाई है, एंड मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरी फैमिली ने तो इवन ये बोला कि ये दोबारा मत मंगाइयो, और मंगवाएगा तो यही वाली मंगवाइयो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब फटाफट से एक कॉफ़ी बनाते हैं, सिंपल सी कॉफ़ी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ बीट वीट नहीं करने वाला मैं। 1 टेबलस्पून इसका डालूंगा, 1 टेबलस्पून शुगर डालूंगा, और दूध है, दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, फिर भी चलता है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 चम्मच डाल लेंगे एक की जगह। तो चलिए अब बनाते हैं कॉफ़ी। तो पहले मैं दिखा देता हूँ इनका टेक्सचर, पिछले वीडियो में जब मैंने अनबॉक्सिंग करी थी तब आपको दिखाया नहीं था। ये कॉन्टीन्यूटी वीडियो बना रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट 15 दिन बाद। तो ये देखिए, ये कैरेमल है, हेज़लनट भी दिखाई देता हूँ। वैसे 1 चम्मच दूसरे जार में डालनी नहीं चाहिए, बट अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है इसलिए मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, इसमें तो बची भी नहीं है। तो ये हेज़लनट है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कैरेमल बना रहा हूँ, तो कैरेमल वाली बनाएंगे। तो ये देखिए, तो अब इसका 1 चम्मच इसमें डालता हूँ मैं दूध में, 1 से ज़्यादा ही डालूंगा क्योंकि दूध ज़्यादा ले लिया मैंने, मैं थोड़ी स्ट्रांग पीता हूँ वैसे भी कॉफ़ी। तो इसको मिला देंगे, एंड शुगर डालनी मैं भूल गया, शुगर तो मैंने डाली नहीं, शुगर ऐसे डाल देता हूँ, चम्मच जो है वो वेट हो गई है। ये मैंने शुगर डाल दी, और ये अभी फ़िलहाल के लिए कॉफ़ी रेडी है। मैंने कोई बीट वीट कुछ
ज़्यादा कुछ किया नहीं है इसको, क्योंकि वैसे ही इंस्टेंट कॉफ़ी है ये। तो ल्यूक वार्म मिल्क में दोनों कॉफ़ी और शुगर को डाल के स्टर कर दिया, तो ये आपकी कॉफ़ी रेडी है। तो भाई ये था वीडियो और ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब मैंने बता दिया कि जिसकी जो चॉइस है उस हिसाब से, मेरी फैमिली को तो ज़्यादा ये पसंद आई थी हेज़लनट, और मुझे पर्सनली ये पसंद आई। इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल जैसे एक टॉफ़ी आती है 1 रुपए की, बिल्कुल वैसा है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मुझे वो टॉफ़ी भी अच्छी लगती है, तो इसलिए। और इसको एज अ ब्लैक कॉफ़ी मत पीना क्योंकि आपको फेंकनी पड़ जाएगी। और इसके इंग्रेडिएंट्स देख लो अगर आपको देखना है तो, इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया कि कौन सी बीन इसमें यूज़ करिए, तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, दोनों पे सेम ही लिखा है। तो ये देखिए टीस्पून लिखा है, इसमें मैंने टेबलस्पून डाला है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पीता हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ा ऐसे ही है ऊपर नीचे हिसाब किताब, तो अपने हिसाब से देख लेना भाई। मेरे को तो ये अच्छी लगी और ये सेकंड नंबर पे, पर मोस्टली लोगों को यही पसंद आई है, सबको यही पसंद आई, किसी को भी ये पसंद नहीं आई। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये कॉफीज खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, पीस।